हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको प्रेसॉन्स अप्लाई करने के लिए या फेक नेल्स अप्लाई करने के लिए अपने नेल्स मेजर करके बताऊंगी। तो सबसे पहले एक पेज पे थंब, इंडेक्स, मिडल, रिंग और पिंकी को लिख लेंगे। तो ये है मेरे लेफ्ट हैंड के नेचुरल नेल्स जिस पे मैंने नेल आर्ट कर रखा है। तो आज मैं आपको अपने राइट हैंड की नेल्स को मेजर करके बताऊँगी। तो सबसे पहले हम एक पेन ले लेंगे और उसके साथ ही स्कॉच टेप। अब हमें अपने नेल्स के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की विड्थ यानी कि चौड़ाई को मेजर करना है। तो सबसे पहले हम इसे मार्क कर लेंगे दोनों साइड में ही। अब टेप लेंगे और इसे अपने नेल्स पर अच्छे से प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हम अपने नेल्स को दोबारा से मार्क करेंगे। अब इस टेप को रिमूव कर लेंगे और पेज पर अच्छे से चिपका लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने सारे नेल्स को भी मार्क कर लेंगे। अब इन्हें भी एक एक करके पेज पे स्टिक कर लेंगे। अब हम एक स्केल लेंगे और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को मेजर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी मेजरमेंट आ रही है 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 15 मिलीमीटर। अब इंडेक्स फिंगर को भी ऐसे ही मेजर करेंगे जिसकी मेजरमेंट आ रही है 1.1 सेंटीमीटर यानी कि 11 मिलीमीटर। तो आपको भी इसी सेम प्रोसेस के साथ अपने सारे नेल्स की मेजरमेंट ले लेनी होगी प्रेस ऑन नेल्स यानी कि फेक नेल्स ऑर्डर करने से पहले। और आप ये मेजरमेंट मुझे बताएंगे जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। सिर्फ एक हाथ के ही नेल्स को मेजर करना काफ़ी होगा, ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे हाथ के नेल्स को भी मेजर करें। तो ये रही मेरी नेल्स की सारी मेजरमेंट। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये कितना आसान है अपने नेल्स को मेजर करना। तो आप भी सेम प्रोसेस के साथ अपने नेल्स मेजर करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। एंड आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो जो कि बहुत ही आसान था। और अब मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।